समझा रहे हैं ऋषिगणों को, तो कहां तक हम पहुंचे थे? इमंत चिंती पद्मजनी स्तुति करंती भावहीन, मतलब पद्मजनी जो ब्रह्मा जी है वो स्तुति कर रहे हैं प्रभु श्री विष्णु से। आज उसके आगे की कड़ी श्री ब्रह्मवाच, हे शंख चक्र गदाधर तुमी तो जग तो आधर, तो नाभि पद्म जन्म होई विश्व कुसुज न करई, एणु तुमको नमस्कार भोनाथ सर न सोदर, हे जगदात्मा भगवान तुम्भ स्वरूप तुम्भे जान, तोर मायारे जगन्नाथ जगत होई छी निर्मित, तोहर निश्वा सरु जान ओंकार होई छी उत्पन्न, एणु शबद ब्रह्म नाम वेदे कहन्ति मुनि जन, तत्सत्वंकार संयोग एक ब्रह्म ही तीनी भाग, यही त्रिधारा आश्रय नहीं संसार सुज न करई, तुम्भ ठारु जे स्थूल सूक्ष्म हे प्रभु पुरु सौतम, दीर्घ अथवा ह्रस्व शब्द सर्वदा अटन्ति अभेद, जे शनि शुभ न विकार हुआ नाना अलंकार, बलय केयु रकंकण एक सुवर्ण रूप भिन्न, तेषने रज तम सत्व विकारे होई छि जगत, त्रिगुण ओट इय सत कुंभ शक्ति रे सत्य प्रतम, एणु पंडित ज्ञानी जन कहन्ति सर्व नारायण, हे ऋषिकेश भगवान जगत तो हो रभियाण, तुम्बे जे स्रष्टा सृष्ट वस्तु आवर पाल नर हेतु, आधार आदे अस्वरूप धाता विधाता कर्ता रूप, जगत जेते जीव छन्ति तोहर माया रि भ्रमन्ति, शुभ
अशुभ कर्म मान करुण थांति पुण पुण पुणी विहित कर्म करी खेलंती माया कुआवरी हे नाथ कम लांक पति तुम्बे जग तर गति पालन पोष न भरण सकल साक्षी नारायण हे विश्व गुरु भगवान सकल जीवं कारण हे जगन्नाथ चक्रधर मुतोर चर ने किंकर मो प्रति होई बा प्रसन्न करुण सिंधु भगवान जैमिनी वाच जैमिनी कहंती हर से शुण हे मुनि गण तोषे ब्रह्मास्तु तीरे बस होई तक्षणी प्रभु भाव ग्राही नील जलद तनुवर्ण हस्तरे शंख चक्र चिन्ह कोटियादित्य जिणी तेज सुंदर सोहे चतुर्भुज श्रीमुख पंक ज सुंदर हृदरे कौ स्तुवहर गरुड़ स्कंदे आरोहण करि प्रकाश नारायण रंग धरे मंदहास जीण सर सपीयूष ब्रह्मा वचन कर्णे शुणी हसी कहंती चक्र पाणी बोले जगन्नाथ स्वामी की। आज का पठन यहीं तक, अभी इसका सारांश समझते हैं। जब जैमिनी ऋषि ये समझा रहे हैं ऋषिगणों को कि जब सृष्टि की रचना हुई तब प्रभु ब्रह्मा जी ने घबराकर भगवान विष्णु को स्तुति किया। स्तुति क्या, तो क्या स्तुति में क्या बोल रहे हैं, हे शंख चक्र गदाधर। तो प्रभु विष्णु को बोल रहे हैं कि आपके हस्त में शंख चक्र गदा पद्मों वो सब शोभा देता है और आप है जगत के आधार। मैं जो ब्रह्मा आपके नाभि से मैं जात हूं और आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु विष्णु से, हे भगवान आपका माया किसी को नहीं पता, आपका माया किसी को नहीं पता, तो आपके निश्वास, आपके जो हम निश्वास प्रश्वास लेते हैं, आपके निश्वास से ये ओमकार का उत्पन्न हुआ है और इसलिए इसका नाम है ब्रह्म। जो ओमकार शब्द का नाम है वो ब्रह्म नाम है और ये ही तीन भाग में विभक्त है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहें या जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा कहें, तो ये ब्रह्म ये ओमकार जो है ये तीन भाव में विभक्त है और आप जो है पुरुषोत्तम है। ये प्रभु आप पुरुषोत्तम है, आप जो बना रखे हैं ये जगत के रज तम
सतह, ये जो है ये जगत को विकार कर रहा है और ये आप इतना बड़ा ज्ञानी, आप इतना बड़ा विद्वान, आप सबसे बड़ा प्रभु नारायण, हे प्रभु नारायण, हे प्रभु भगवान, आपने जो ये सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे बोला तो आप इस सब वस्तु का, आप ही सृष्टा है, आप ही वस्तु है, आप ही पालन करता है, आप ही आधार है, आप ही विधाता है, आप ही करता है। ये भगवान ब्रह्मा जो है विष्णु जी को स्मरण करते हुए ये सब प्रार्थना कर रहे हैं और ये जगत में, जगत के नाथ जो जगन्नाथ हम बोलते हैं, ये जगत में, ये सृष्टि में जो भी, जो 84 लक्ष योनि के अंदर जितना भी जीव जंतु है, मनुष्य है, कीट पतंग है, वृक्ष लता है, नदी है, समुन्दर है, ये जो भी आपने रचना करने के लिए मुझे आज्ञा दिए हैं, ये सब आपके ही माया में भ्रम रहे हैं, आपके माया में चल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। और जो भी जो मनुष्य शुभ अशुभ कर्म कर रहा है, जो भी पाप पुण्य कर रहा है, वो सब आपके ही देन है, आपके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और जो मनुष्य है अपना कर्म करके वो चलता है, कैसे चलता है, आपके माया में, आपके माया में ढके हुए वो कर्म कर रहा है, उसको कुछ नहीं पता है। हे प्रभु कमलापति, मतलब लक्ष्मीपति, मतलब विष्णु, हे प्रभु विष्णु, आप ही इस सभी का साक्षी है। जो हम करते हैं, जो किए जा रहे हैं, चाहे गलत करें, चाहे अच्छा करें, चाहे पाप करें, चाहे पुण्य करें, हम सोचते हैं कि हमारे को कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो सब कुछ देख रहे हैं, वो परमात्मा, जो परमात्मा वो सब कुछ देख रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो सबका साक्षी कौन है, वही परम ब्रह्म विष्णु, यानी कि वही जगन्नाथ जी है, वही सबका साक्षी है। तो हे प्रभु भगवान, आप जो है प्रसन्न होके कृपा करके मुझे देखा दें, मेरी बात सुने। इतना जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सब चीज जैमिनी ऋषि जो है आगे समझा रहे हैं, हंसते हुए, जैमिनी ऋषि हंसते हुए समझा रहे हैं, हे मुनिगण सुनिएगा, ब्रह्मा जी जब स्तुति किए हैं तो प्रभु भावग्राही वही प्रभु विष्णु, वो उनके स्तुति में, उनके प्रार्थना में बस होकर, मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु जगन्नाथ, हे माता लक्ष्मी, हे माँ दुर्गा, हम जब प्रार्थना करते हैं या अपने माता पिता से भी हम कहते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मुझे थोड़ा सा परेशानी है, मेरे दुख तकलीफ को दूर करें, तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी माता पिता जो है हमारे सुनवाई सुनते हैं। जिस मंदिर में हम जाते हैं, माथा टेकते हैं कि मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को प्रभु आप सहाय हुए, तो भगवान कैसे ना कैसे रूप में, वो चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे मेडिसिन के रूप में, चाहे कैसे ही है, मैं हमारे तकलीफ जो है दूर करते हैं। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने प्रभु विष्णु को प्रार्थना किए तो प्रभु विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए हैं, उनका कैसा है, नील जल तनु वर्ण, मतलब हम बोलते ना नीलांबर, नीलांबुजस्य मलको मलंगम, जो राम अवतार में प्रभु को ये क्या हुआ, नीलांबुजस्य मलको मलंगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। इस तरह कृष्ण अवतार में भी प्रभु का नील, उनका स्वरूप जो है नील स्वरूप है,
तो नीला जलद तनु वर्ण, तो जैसे नीला जलद मतलब जो समुन्दर के जैसे नीला जलद मतलब नील मेघ राशि जैसे प्रभु नील बनकर हस्त में क्या है उनके शंख चक्र गदा पद्म ये चारों उनका जो आयुध है वो लेकर प्रभु उनके सामने सुंदर रूप चार भुजे हैं उसमें शंख चक्र गदा पद्म शोभा पा रहे हैं ऐसे प्रभु विष्णु ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए हैं और उनके श्रीमुख जो है सुंदर दिख रहा है पंकज सुंदर पंकज मतलब पद्म जो फूल है तो वो जिस तरह से सुंदर दिखाई देता है इस तरह से प्रभु के श्रीमुख जो है पंकज की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है और साथ में क्या है कौस्तुभ के हार जो है उनके गले में लंबी हुई है और कैसे आ रहे हैं प्रभु ब्रह्मा के पास उनका जो है वाहन कौन है गरुड़ के कंधे में बैठकर प्रभु आकर प्रकाश से ब्रह्मा जी के सम्मुख और प्रभु विष्णु जब ब्रह्मा घबरा कर उनके प्रार्थना कर रहे हैं उनके स्तुति कर रहे हैं लेकिन प्रभु विष्णु जो है वो हंस रहे हैं वो मुस्कान कर रहे हैं अरे ब्रह्मा जी क्या हो गया ऐसे मतलब हम बोलते हैं ना जब आपने भी घर में देखा होगा कि कोई बच्चा कहीं पर एक चिपकली देख लिया एक जो है कोई बिच्छू देख लिया तो वो घबरा कर पापा पापा मम्मी मम्मी बोलता है तो हम क्या हम जब उसके सामने पहुंच जाते हैं तो बच्चा जो है उसका डर खत्म हो जाता है और हम क्या करते हैं अरे साधारण चिपकली है कॉकरोच है इसको देख के क्यों डर रहा है तो हम जब क्या करते हैं उस टाइम पर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं ऐसी जैसे प्रभु विष्णु पहुंच गए तो मुस्कुरा कर जो है उनके सामने प्रकट हुए हैं और कैसे प्रकट हुए जब ब्रह्मा जी के वचन ब्रह्मा जी के प्रार्थना अपने कान में पड़ा तो प्रभु विष्णु चक्रपाणी मतलब चक्रधर चक्रपाणी तो उनके हाथ में जब चक्र है तो उनको चक्रपाणी भी कहा जाता है प्रभु विष्णु को वो हंसते हुए जो है ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं आने वाला काल जो है भगवान के उवाच मतलब विष्णु की कथा उन्होंने ब्रह्मा जी को क्या कहा उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे आज के लिए इतना ही जाने से पहले फिर एक बार कहता हूं कि ये जगन्नाथ कथा ये जगन्नाथ के आविर्भाव श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के पास जरूर शेयर करें इतना कहकर आज यहीं पर विराम देते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले जगन्नाथ स्वामी की जय